प्रवाल पंचामृत रस एक आयुर्वेदिक दवा है जो आयुर्वेद में मुख्यतः पाचन संस्था के व्याधियों के उपचार में उपयोगी है। यह दवा नेचुरल अल्कलाइन युक्त होती है जो पेट के अतिरिक्त एसिड और जलन को कम करने में फायदेमंद है। साथ ही यह दवा और भी बीमारियों में उपयुक्त है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रवाल पंचामृत रस के घटक या इंग्रेडिएंट्स के बारे में। प्रवाल पंचामृत में प्रवाल भस्म, मुक्ता यानी मोती भस्म, शंख भस्म, शुक्तिका भस्म और साथ में कपर्दिक भस्म, इन पांचों द्रव्यों को साथ में मिलाकर अर्क दुग्ध की भावना के साथ पुट देकर प्रवाल पंचामृत दवा का निर्माण होता है। प्रवाल पंचामृत औषधि क्षारीय, तीक्ष्ण, शीतवीर्य तथा कफ और पित्त को कम करती है। आइए जानते हैं प्रवाल पंचामृत रस के उपयोग के बारे में। प्रवाल पंचामृत रस गुल्म रोग की प्रधान औषधि है। यह दवा पेट में आना, ग्रहणी, भूख न लगना, खट्टी डकार आना और अतिसार जैसी पेट की बीमारियों में अत्यंत लाभकारी है। इस दवा में अधिक मात्रा में मिनरल्स पड़े होते हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, जिसकी वजह से यह हमारे शरीर में कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे कई खनिज तत्वों की कमी को पूरा करती है जिससे हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। लीवर और स्प्लीन के साथ एस्थमा या खांसी के बीमारियों में भी प्रवाल पंचामृत रस का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक के डिसीजेस जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, मूत्राश्मरी या पथरी या पेशाब की कमी होना, यहाँ तक कि यूरिन रिटेंशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रवाल पंचामृत रस की डोज या मात्रा कुछ इस तरह है। इस दवा को 250 मिलीग्राम सुबह और शाम आयुर्वेदिक डॉक्टर के बताए गए इंडिकेशन के साथ लीजिए। इस दवा को रोगानुरूप नींबू रस, शहद, घी या फिर दूध के साथ भी लिया जा सकता है। याद रखिए, इस दवा की मात्रा लेने से पूर्व आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।